हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमें देखने मिलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर ऑलमोस्ट 5 साल के बाद ऑब्वियसली मैंने मेरे जिंदगी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो वाले मैच की बात नहीं कर रहा जहां पर विराट कोहली वर्सेस बाबर रहता, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली सुनील छेत्री सर वर्सेस हसन शब्बे। माफ करना अगर मैंने कैप्टन का नाम गलत लिया रहेगा तो भाई आई एम रियली सॉरी, बट यस। जी हाँ दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप 2023 के जो ग्रुप्स है वो आ चुके हैं, एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। बहुत लोग बोल रहे हैं ठंडा बॉल, गर्म बॉल, बॉल पिक करने टाइम पे शफल भी नहीं किया, सैफ रिग्ड, AIFF रिग्ड, ग्रुप पहले से फिक्स था, ये वगैरह। ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं मेरी व्यूज डालने की कोशिश करूंगा, एंड यस आइए भाई। तो फाइनली ग्रुप्स आ चुके हैं, और एक ही अच्छी बात थी भाई कि सैफ के जो ग्रुप्स है ना पब्लिकली दिखाए गए थे, यूट्यूब पे दिखाया गया था। हाँ ऑब्वियसली जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी था वो सही से नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, पहली बार था तो एट द एंड ऑफ द डे इंसानियत तो गलती हो जाती है। बट बात करेंगे दोनों ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप ए में है इंडिया, क्वेट, कुवैत, नेपाल एंड पाकिस्तान। ग्रुप बी में है भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड लेबनान, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप की बारे में बात करोगे तो हम सब लोग ने प्रेडिक्ट किया था, लाइव स्ट्रीम में हमने वॉचरूम पे भी बोला था भाई कि ये जो ग्रुप है इंडिया, कुवैत, नेपाल, पाकिस्तान, ये सबसे टफेस्ट ग्रुप है जो हम लोग को मिल सकती है, ठीक है, जो हम लोग को मिल सकती है। एंड यस भाई ऑब्वियसली मिल चुका है। अभी यहाँ पर दो पॉइंट हुए, ठीक है, अभी यहाँ पर दो पॉइंट हुए है। तो जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर होगा तो जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो भी नहीं करता वो भी जक मार के ये मैच देखेगा, एंड क्या पता समझो अगर 1000 लोग देखने आए नए तो उसमें से 10 या 100 लोग तो है ना इंटरेस्ट लेंगे इंडियन फुटबॉल पे, और रेवेन्यू होगा जो ना लोग अट्रैक्ट होंगे, PR वगैरह वो सब, ठीक है, व्यूअरशिप वो सब है ना ये होगा। अभी दूसरा अगर बात करें जो टीम्स के बारे में, कुवैत हो गए, नेपाल हो गए, तो इट इज अ बेस्ट ग्रुप, और इससे अच्छा, इससे खतरनाक टफ ग्रुप हमें नहीं मिल सकता फॉर द प्रेपरेशन फॉर द AFCA। तो ये ग्रुप काफी खतरनाक है। आइए हम लोग बात करेंगे सबके बारे में। तो नेपाल के अगर मैं बताऊं, ठीक है, नेपाल के बारे में आप सभी को पता है कि 1-2 साल पहले हमने 2 friendlies खेले थे, तो वहां पर हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, एंड वहां पर नेपाल की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो नेपाल सब लोग सोचेंगे यार चलो ठीक है ओके टीम है, नहीं भाई, नेपाल इज अ टीम टू बीट, ना कम्पीट कर सकती है, टू जा सकती है। अभी कुवैत की अगर बात करोगे तो भाई कुवैत के साथ हमने 2010 में लास्ट इंटरनेशनल फ्रेंडली खेला था, वहां पर हमने 9-1 से हार गए थे, दैट वाज वन ऑफ द हेवीएस्ट डिफीट इन द इंडियन फुटबॉल, ठीक है। तो वो मैच हम लोग ऑब्वियसली 2011 जो एशियन कप था उसके प्रिपरेशन के लिए खेले थे, तो वो मैच हम लोग 9-1 से हार गए थे। अभी कुवैत के बारे में क्या क्या स्टोरीज है मुझे लाइव में मालूम पड़े कि भाई देखो ये खतरनाक टीम है, रिसेंटली उन्होंने काफी बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, UAE को हराया, एंड ये बैन होती रहती है, ठीक है, 2-3 बार बैन हुई है, एंड दैट्स व्हाई उनके रैंकिंग नीचे गई है। लेकिन भाई कुवैत 143 या 144 रैंक टीम है, लेकिन भाई एकदम बुंड मार सकती है ऑन द गिवन डे कौन से भी टीम का, तो दैट्स व्हाई। इसलिए अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक तो इंडिया से पाकिस्तान चाहता तो वो मैं मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, व्यूअरशिप वगैरह, एंड बाकी अगर आपको प्रेपरेशन चाहिए मैचेस से तो भाई इससे अच्छा ग्रुप तो हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। बेसिकली भाई मजा आ गया, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 5 साल के बाद, तो मैंने तो अपने जिंदगी में सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैंने सुना है तो सिर्फ मैंने कोहली, धोनी वर्सेस बाबर आजम, शाहीन अफरीदी ये सब ही सुना है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सुनील छेत्री सर वर्सेस हसन शब्बे एंड उनकी टीम। पाकिस्तान के अगर बारे में बात करें तो पाकिस्तान से देखो अभी अभी उनको बैन लिफ्ट हुआ है, एंड दे आर ट्राइंग, और उनका पार्टिसिपेशन पे भी बहुत सारे अभी भी शायद से हैं कि भाई पार्टिसिपेट करेंगे ड्यू टू द पॉलिटिकल इश्यूज, बट होपफुली ये हो सके। एंड सी ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान और इंडिया एक टूर्नामेंट में ना पार्टिसिपेट करिए, और अगर दोनों एक ग्रुप में नहीं आए तो मतलब ही क्या है टूर्नामेंट का, समझो अगर इंडिया से पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं आती तो सैफ का मतलब ही क्या होता, सैफ का मतलब ही क्या होता लॉन्डो, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो खुश हूं, ठीक है, आई डोंट केयर कि वो रिग्ड किया, ड्रॉ, फिक्स था, ठंडा बॉल, गर्म बॉल, फलाना ढिंकाना, अनलेस एंड अंटिल मैं हमारे मतलब पूरे इंडियन फुटबॉल फैंस के 2 विश थे, ठीक है, एक तो इंडिया से पाकिस्तान चाहता और एक टफ ग्रुप चाहता, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर टीम, वी कैन टेस्ट अवर स्क्वाड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द AFC एशियन कप, दैट्स फाइन, बिकॉज यहाँ बोलते कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप में तो इतने अच्छे अच्छे मैचेस है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा होगा। और अगर टॉप 2 टीम्स की स्पेसिफिकली अगर भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश काफी अच्छी रही थी, लास्ट टाइम बांग्लादेश ने भी काफी टफ दिया था इंडिया को, तो रिसेंटली मैंने कौन से भी टीम्स को ना मैंने देखा नहीं है सही से, बट मैं स्टैट्स के ऊपर भौंक रहा हूँ, ठीक है। तो भूटान के बारे में तो भूटान भी ओके की टीम है, मैंने ज्यादा देखा नहीं है। मालदीव्स आई डोंट नो, लेबनान जस्ट 99 रैंक टीम है, तो आप बोल सकते कि ना अच्छी खेलेगी, तो लेट्स सी, ऑब्वियसली इंडिया जो लेबनान और इंडिया है वो शायद से फाइनल में आ सकती है। तो अगर आप ग्रुप्स के बारे में बात करोगे तो दोनों ग्रुप में से दो टीम टॉप 2 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल,
फिर सेमीफाइनल से फाइनल होगा ये। तो सजेशन अभी देखो, अभी इतना जल्दी मुझे प्रेडिक्शन करना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेडिक्शन मेरे चेंज होते रहेंगे ना बाई है। तो मैं जैसी मैच स्टार्ट होगा, जैसे ही सबका एक एक मैच मैं देख लूंगा ना, तो देन फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो इतने जल्दी मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, बट यस आप लोग डेफिनेटली प्रेडिक्शन दे सकते हो चैट सेक्शन में, आपको क्या लगता है एंड आप कितने खुश हो भाई। एंड बहुत लोग ये भी सोच रहे रहेंगे यार कि यार अफगानिस्तान क्यों नहीं है, बट अफगानिस्तान का क्या सीन है, मुझे भी लाइव स्ट्रीम करते करते मन पड़ा कि अफगानिस्तान ये जो रीजन है वो उन्होंने रीजन अपना चेंज किया, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स ईरान। ठीक है, ईरान का जो रीजन है वो उनके रीजन में अभी आते हैं, दैट्स व्हाई वो लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ये सैफ में। तो भाई यस, इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे। एंड भाई मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तो खुश हूँ, मैं पहली बार जिंदगी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने वाला हूँ इन द फुटबॉल मैच। ऑब्वियसली बेंगलुरु में मैच होगा, ठीक है, बेंगलुरु में 25,000 कैपेसिटी है। जून 21 से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा जुलाई 3 तक। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हर एक दिन दो दो मैच होंगे दोनों ग्रुप्स के, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बाकी तो भाई ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, एक साल के बाद, ये पूरा एक साल जान दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर से आई विल बी ट्राइंग यू नो टू गो टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर विजिटिंग फॉर वॉचिंग इंडियन फुटबॉल मैचेस। बट ये साल नहीं, ये साल जान दो, बट नेक्स्ट ईयर से हम लोग ट्राई करेंगे, ब्लॉग वगैरह करेंगे। बट यस, इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। आई रियली होप आपको पसंद आएगा ना, आप लोग कितने खुश हो भाई, आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये टूर्नामेंट के लिए, तो जरूर मुझे बताइए, बिकॉज ऐसा मौका फिर नहीं आएगा भाई। क्या पता इंडिया से पाकिस्तान हमें फ्यूचर में देखने मिल सकता है, बट कभी देखने मिलेगा पता नहीं। सो दैट्स, दिस इज द मोमेंट वी हैव टू लिफ्ट अप टॉप, और यू नो क्राउड विल बी क्रेजी भाई, मजा आएगा। तो यस, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज एज वी से, विल सपोर्ट एंड फॉलो इंडियन फुटबॉल।